नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सफलता के राज प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एक विद्यार्थी को अपनी सफलता के मार्ग पर चलने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए भगवान गौतम बुद्ध के उन दर्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु जी से पूछना चाहता है कि मैं सफलता के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मुझे सफलता चाहिए या मुझे नौकरी चाहिए। तो गुरुजी अपने शिष्य को बोलते हैं कि चाय पियोगे? तो शिष्य बोलता है कि अवश्य। तो गुरुजी अपने शिष्य को कप में चाय डालते हैं और कप पूरा भरने के बाद भी उसके अंतर्गत चाय डालते रहते हैं। तो शिष्य गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, देखो गिलास भर चुका है फिर भी आप इसके अंतर्गत चाय डाल रहे हो। तो गुरुजी अपने शिष्य से बोलता है कि मेरे दोस्त, मेरे शिष्य, आप भी अपने आप को इसी रूप में ढालना है। जिस प्रकार से ये गिलास खाली था और जब तक मैं इसमें चाय डालता रहा, ठीक उसी प्रकार से आप भी अगर किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो या सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हो तो अपने दिमाग को एक कोरे कागज की तरह रखो। दोस्तों, आज हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म में दर्शन दिए गए हैं उनमें से हम 6 उन मूलभूत बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी को सफलता तक पहुंचाते हैं। कोई आदमी महान इसलिए नहीं होता कि वह असफल नहीं हुआ हो, बल्कि इसलिए कि असफलता उसे रोक न पाई हो। सफलता के राज में मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को। भारत अनेक खूबसूरत दर्शन शास्त्रों का घर रहा है और बौद्ध दर्शन हजारों वर्षों से अपना प्रकाश फैलाते आ रहा है, जिनमें से हम बात करने वाले हैं आज जैन दर्शन की। बौद्ध जैन फिलोसोफी दरअसल भारतीय महायान बौद्ध धर्म और ताओवाद का मिश्रण है। जैन मानव दक्षता, जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं, रचनात्मक सोच, अपनी क्रिएटिविटी और हमारी क्षमता कैपेसिटी को साकार करने पर भी बहुत कुछ कहता है। यही कारण है कि दुनिया के महान सफलतम लोग स्टीव जॉब्स, एप्पल के जो संस्थापक है, एंजेलिना जोली हॉलीवुड की अभिनेत्री, जैकी चैन एक्टर है, हरमन हेस लेखक है, और डेविड बोपी पॉप गायक आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जो सेलिब्रिटी है उन्होंने भी किसी न किसी रूप में इसे फॉलो किया है। जैन शब्दों को दर्शन में वर्णित नहीं किया जा सकता, इसे समझने के लिए इसका अनुभव करना होता है। जैसा कि अमेरिकी सिंगर जिनी क्लार्क ने सही कहा है कि जैन कला नहीं है, ना ही कोई धर्म है, यह एक अनुभव है। और आज के कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी में जैन बुद्धिज्म के उन 6 महान मूलभूत तत्वों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप आज और अभी से जैन की उन मूल बातों का प्रयोग कर एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस की ओर बढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, पहला जो गहन मूल मंत्र है वह है इंटेंस डिसिप्लिन, यानी गहन अनुशासन। जैन बुद्धिज्म गहन अनुशासन पर बल देता है। विहारों में रहकर जो भगवान गौतम बुद्ध के मठ हुआ करते थे, उनका अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को अपने रात को सोने से लेकर के सुबह जल्दी उठने से लेकर पूरी दिनचर्या में, जिसमें खान पान की सब कुछ शामिल है, अत्यंत डिसिप्लिन रहना होता है, जिसका ठीक से अभ्यास करने पर पूर्ण सहजता और परम स्वतंत्रता प्राप्ति होती है। इसे प्राकृतिक सहजता के साथ किया जाता है, फोर्सफुली नहीं कि आपके ऊपर जबरदस्ती ये थोप दिया जाए। दोस्तों, जब आपके अंदर कुछ होगा तभी आप कर सकते हैं। हम दूसरे सफलता के मूल मंत्र के बारे में बात करना चाहते हैं, हमारे आत्मज्ञान अंदर है। जैन हमें आत्मज्ञान के लिए अपने अंदर देखने के लिए कहता है। जैन दर्शन कहता है कि उत्तर के लिए स्वयं से बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उसी स्थान पर उत्तर ढूंढ सकते हैं जहाँ से हमें प्रश्न मिले हैं। प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में इसका अनुवाद है कि हमें अपने सेल्फ स्किल, जो अपनी कौशलता है, अपना ज्ञान है, उसके ऊपर काम करना चाहिए, न कि कोई बाहरी चीज़ों के ऊपर जो नियंत्रित करने में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। जैसे कि अपने राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भर्तियों के अंतर्गत घोटाले होते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं या पैसे ऊपर करते हैं, उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। दलाई लामा का एक बहुत बड़ा कोटेशन है कि दूसरों के व्यवहार को अपनी आंतरिक शांति को नष्ट न करने दें। अब बात करते हैं हम भगवान गौतम बुद्ध के तीसरे उस मूल मंत्र की, जो है ध्यान और अन्य तकनीकों के माध्यम से हमारे मन को नियंत्रित करना। जैन दर्शन को फॉलो करने का पहला कदम
ध्यान और अन्य तकनीकियों के माध्यम से हमारे मन और शरीर को नियंत्रित करना है। इसकी प्रैक्टिस करने से प्रतियोगी परीक्षाओं में यह फायदा होगा कि आपका मन अधिक विचलित नहीं होगा और एकाग्रता रहेगी। जापानी बुद्धिस्ट लीडर कोन यमादा कहते हैं कि जेन का अभ्यास किसी चीज़ के साथ जुड़ने की क्रिया में स्वयं को भूल जाना है, यानी कि आपके अंतर्गत इतने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है उसके सामने अलावा या उसके अलावा जिस प्रकार से अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। अब बात करते हैं हम भगवान गौतम बुद्ध के चौथे दर्शन की, जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रसिद्ध बुद्धिस्ट फिलोसोफर लाओ त्सु कहते हैं कि यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, यानी इतिहास में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप शांति में है तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। जैन दर्शन बस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीवित होने पर बल देता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में इसकी प्रैक्टिस चिंता से बचने, एकाग्रता, अलर्ट और अवेयर बने रहने में मदद कर सकती है। अगली बात है दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का पांचवा जो दर्शन है, डर से आज़ादी। कि अगर कोई विद्यार्थी डर से बाहर निकल जाता है, यानी मन को किसी भी प्रकार से डर जैसे अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अत्याचार आदि से मुक्त करने का प्रयास करता है, जैन अपने सार में स्वयं के होने की प्रकृति को देखने की कला है और यह बंधन से मुक्ति का मार्ग बताता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में फियरलेस होना, नर्वसनेस, पैनिक अटैक इत्यादि से बचने के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि जैन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सोच से बचकर वास्तविक सोच के लिए प्रेरित करता है। छठवां दर्शन हम देखने वाले हैं मिनिमलिज्म। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जैसे मधुमक्खी नेक्टर इकट्ठा करने में फूल के रंग और सुगंध को नुकसान नहीं पहुँचाती है और न ही उसे बिगाड़ती है, बुद्धिमान लोग उस तरह से ही इसी तरह संसार में रहते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्षेत्र में यह सीख कम प्रयासों में अधिक रिजल्ट की ओर इशारा करती है, अर्थात स्मार्ट स्टडी जिसको हम बोलते हैं। हमने स्वयं के तरीके ढूंढे दोस्तों, और इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप जुड़ी रहिएगा राजस्थान अड्डा 24/7 के साथ। मैं आप लोगों के लिए सफलता के राज में रोज उन सफल चीज़ों के लिए एक नई कहानी लेकर के हाजिर होऊंगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा राजस्थान अड्डा 24/7 के साथ और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।